कियान को जन्म देके हमें कम बदनाम कर चुकी हो, हाँ? जो ये होटल में इतनी घटिया हरकतें तुमने शुरू कर दी, हाँ? भैया मैंने कुछ किया ही नहीं। चुप, भाई साहब, आप इसी के इसी वक्त इसे घर से निकालिए। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन बुलाते हुए। पुष्कर भैया मैंने कुछ किया ही नहीं। लो, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस तुम्हें अब जाना ही होगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं। अग्रवाल जी प्लीज प्लीज, मैं एक अकेली माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अग्रवाल जी, जान, जान, हाँ, जाब, आप कहाँ थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे जान, मैंने आपको फोन किया था ना, एक आंटी ने छीन लिया। क्यों? वो मैं बिजी थी ना, मीटिंग में थी, तो शायद किसी ने मेरा फोन ले लिया होगा। आपको पता है ना, आपकी तो छुट्टी अप्रूव हो गई है। हाँ। हम वेकेशन पे जाने वाले, चलो चलते हैं अभी शॉपिंग करेंगे। अरे मोड़ी, कहाँ भागे जा रही है हवा के घोड़े पे सवार? दादी वो मैं आपको बताना भूल गई, इसका वेकेशन है ना और वो आखिरी वक्त पे इतनी चीजें होती है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। सॉरी दादी, आपको सच नहीं बता सकती। पता है मुझे, आप पुष्कर से लड़के हमें अपने पास रख लेंगे और वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। कियान को हर मौके पे ताने देगा कि उसकी माँ को काम से निकाल दिया गया और वो स्कूल से। मुझे हर हाल में अपने कियान को बचाना होगा। जान चलो शॉपिंग। प्रेजेंटेशन शुरू करें या फिर तुम्हारे मनोरंजन खत्म होने का इंतजार? सॉरी पा जी। हेलो, और हाँ, एवरी प्रपोजल इन दैट डायरी, समझे? लेट्स स्टार्ट। को तो सर्वर से ही उड़ाना होगा। वायरल हो गया तो कियान तक भी पहुंच सकता है, फिर उस बेचारे भोले से बच्चे को अपनी मां की सिचुएशन का पता लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। जान, तुम घूमने जा रहे? हाँ। और धूप पे जान। रुको रुको रुको, ये लो, जान का पल्लू है ना, ठीक है? धूप लग रही है आपको? नहीं। ये है आपके बेटे कियान जोशी का एक्सपल्शन लेटर। हम आज ही उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। केस टर्मिनेटेड। मैं तुझे अभी के अभी इस नौकरी से निकालती हूँ। आपके होटल में एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाली यही है। तुम्हें उस होटल से इसलिए निकाला गया क्योंकि तुम वहाँ पे एस्कॉर्ट सर्विस चला रही थी और मैं तुम जैसी औरत को यहाँ नहीं रहने दे सकता।